माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जावा को ना पाके हो गए हैं सब उदास। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जावा को ना पाके हो गए हैं सब उदास। एक नया और धमाकेदार एडोन लेके मैं आ चुका हूँ आपके पास। मजा आया। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड गाइज आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला एक बहुत कमाल का एडोन जिसका नाम है कनेक्टेड ग्लास। अगर आपने ये वाला एडोन अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में लगा लिया, ये जो ग्लास के साइड में ये बॉर्डर होता है ये हट जाएगा एंड बिल्कुल जावा की तरह हो जाएगा। एंड गाइज वीडियो को फुल जोर से करना क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल प्रोसीजर मिलने वाला है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज इस एडोन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको डोनेट क्लिक नाम से क्लिक देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको सामने ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको ये कैप्चर को सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे 10 सेकंड वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एंड ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको फाइल मैनेजर में आना है एंड ये वाली डाउनलोड फाइल ढूंढ लेनी है। फाइल ढूंढने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपको बैक आ जाना है। नेक्स्ट आपको गेम्स वाले फोल्डर में जाना है। नेक्स्ट आपको कॉम्पटोट मोजैंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक में जाके इसे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको माइनक्राफ्ट ओपन कर लेनी है। माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सेट स्क्रॉल करना है, आपको ग्लोबल रिसोर्स में आ जाना है। नेक्स्ट आपको माईपैक्स में आना है एंड इस वाले एडोन को क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। नागोज वाले एडोन आपके माइनक्राफ्ट में लग चुका है एंड आप इसे बड़े आराम से प्ले भी कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।